यहाँ पे जो वेस्टेज हमने अभी तक जितना गन्ना निकला उसका डस्टबिन है, ये पूरा इसका वेस्टेज है सर। इसमें झूस है नहीं सर, बिल्कुल सूखा हुआ है, एक बूंद भी नहीं है इसके अंदर, सब क्रश हो चुका, एक ही बार में हो गया, एक ही बार में क्रश हो गया। आपके सामने हमने लाइव टू लाइव किया चीज, जी जी जी, आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर के सामने लाइव किया और एक बूंद जूस नहीं है। 97% क्रशिंग किसको बोला जाता है ये हमने मशीन के अंदर कस्टमर को बताया। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली शुगर केन मशीन बैटरी से चलने वाली विथ कूलिंग सिस्टम काट के हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे आज कस्टमर आए लखनऊ उत्तर प्रदेश से, तो आज स्पेशली वीडियो बना रहे हो, सर को हमारी मशीन दिखा रहे हैं। हेलो सर, जी सर, क्या नाम है सर? विजय बहादुर सिंह। विजय जी, और कहाँ से है सर आप? शाहजहांपुर लखनऊ। शाहजहांपुर लखनऊ से है, यूपी उत्तर प्रदेश से। जी सर। और सर आपको कौन सी मशीन के लिए है सर? ये शुगर केन वाली। शुगर केन मशीन जो बिना पावर पे चलती है, बैटरी वाली, बैटरी वाली जो चिलिंग ठंडा होकर निकलती है। और सर आपने हमारा रिव्यू कहाँ से मिला था आपको? सर आपका यूट्यूब पे देखा था वीडियो, आपने यूट्यूब पे देखा था, तो आप स्पेशली आए फैक्ट्री पे। जी जी जी। अच्छा, तो सर हम जो हमारे व्यूवर्स को यूट्यूब में बताते हैं कि हमारा काम ऐसा है, हम जो मशीन तो आपने यहाँ के आगे ओरिजिनल लगा सब काम? जी सर बिल्कुल, सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा काम। और सर को हमने मशीन की डेमो करके दिखाई है कैसे मशीन ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, कैसा परफॉर्मेंस है। सर जो हम मशीन की परफॉर्मेंस वीडियो में बताते हैं तो यहाँ पे आपको लगी हो परफॉर्मेंस? नहीं सर, वही सेम वही है, सेम परफॉर्मेंस, सेम 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 परफॉर्मेंस। अच्छा, और आपको इसको टेस्ट सब कराया कैसा लगा सर? सर सब बढ़िया है, सब बढ़िया लगा। ओके सर, तो आप देख सकते हैं सर को हमने पूरी मशीन ऑपरेट करके बताई है, बिना पावर बिना बिजली से आपको बैटरी के ऊपर रोड के एरिया पे रख के आप ठंडा ताजा चिल्ड जूस निकाल सकते हो। और सर एक ही बार में क्रश हो जाता जी है सर, एक ही बार में 95% तो एक ही बार में क्रश, दोबारा डालने का जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा, तो एक बार हम आपको लाइव वीडियो में भी दिखाएंगे कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है। सबसे पहले हम यहाँ से गन्ना लेंगे, यहाँ से ये हमारे पास शुगर केन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं ये शुगर केन हम लेंगे और मशीन स्टार्ट करके मशीन में डालेंगे। ऑलरेडी हमने इसमें आइस डाल के रखा है, आपके सामने ही डाला सर आइस अभी हमने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आइस डाला है हमने टैंक में पूरा ठंडा करने के लिए, आपको आइस डालना है इसके अंदर। और यहाँ पे हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, मशीन स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम गन्ना लगा देंगे। ये ऑटोमेटिकली गन्ना वन टाइम में चला जाता है, उसका वेस्टेज पीछे बाउल में गिर जाएगा, आपको वेस्टेज भी कैरी ऑन करने का जरूरत नहीं है, नीचे नहीं पीछे वेस्टेज बॉक्स दिया है वहाँ पे पूरा कचरा चला जाता है उसके अंदर। और यहां से हम जूस निकालेंगे गन्ने का, आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश क्लीन ग्रीन कलर का जूस है सर। जरा टेस्ट करके बताइए हमारे व्यूअर्स को एक बार कैसा टेस्ट है, कैसा चिलिंग है, सब बताइए सर आप। बहुत बढ़िया टेस्ट है सर इसका। अच्छा है, बिल्कुल ठंडा है, फ्रेश, बिल्कुल चिल्ड, जितना कस्टमर को पीने लायक गर्मियों में चाहिए उतना है, ठंडा है, बिल्कुल उतना ही चिल्ड है। और नेचुरल है एकदम, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, बिना बर्फ बिना या बिना पानी मिला है सब है। जी सर। अच्छा, अब देख सकते हैं लाइव टू लाइव गन्ना हमने डाला और लाइव टू लाइव जूस कस्टमर को हमने निकाल के बताया कैसा उनको टेस्ट लगा करके। और इनका वेस्टेज है हम पीछे कस्टमर को थोड़ा बताएंगे और कस्टमर से पूछेंगे कितना जूस बचा है इसमें। आइए पीछे, यहाँ पे हमें हो जाओ पीछे, यहाँ पे हमने डस्टबिन लिखा हुआ है जहाँ पे डस्टबिन होता है इसके अंदर, इसका हम डस्टबिन खोलेंगे और यहाँ पे जो वेस्टेज हमने अभी तक जितना गन्ना निकला उसका डस्टबिन है, ये पूरा इसका वेस्टेज है सर। इसमें झूस है नहीं सर, बिल्कुल सूखा हुआ है, एक बूंद भी नहीं है इसके अंदर, सब क्रश हो चुका, एक ही बार में हो गया, एक ही बार में क्रश हो गया। आपके सामने हमने लाइव टू लाइव किया चीज, जी जी जी, आप देख सकते हैं हमारे कस्टमर के सामने लाइव किया और एक बूंद जूस नहीं है। 97% क्रशिंग किसको बोला जाता है ये हमने मशीन के अंदर कस्टमर को बताया। और नीचे हमने हैवी ड्यूटी दो बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो बड़ा बैटरी लगा है जिसका बैकअप 12 से 14 घंटे का बैकअप है, 12 टू 14 हॉर्स का बैकअप है। ये मशीन सिर्फ बैटरी से चलती है सर। इसमें हमने कोई इन्वर्टर ऐसा कुछ लगाया है क्या? नहीं, नहीं। इन्वर्टर कुछ नहीं लगाया ना, ओनली बैटरी से चलती है ना मशीन, डायरेक्ट 24 वोल्ट पावर देके चलती है ना। तो आप देख सकते हैं पूरी काट इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मॉडल्स है, आपको जो भी इस तरह के मॉडल्स चाहिए तो हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू विजिट के लिए, उसके लिए थैंक यू।